नमस्कार दोस्तों, अनूप भाटिया टॉक शो को आप सबके सहयोग से रिसेंटली यानी आज 1 नवंबर 2022 को 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये 50,000 प्लस कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है और ना ही नंबर्स कतई मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य है जनता जनार्दन की सेवा करना। परंतु आपने मेरी अब तक की इस यात्रा में, इस चैनल की अब तक की यात्रा में जो सहयोग किया, विशेष रूप से मेरे दर्शकों को, मेरे परिवारजनों को एवं मेरे मित्रों को, जिनके लगातार मिलते सपोर्ट की वजह से ये चैनल जनता जनार्दन की सेवा करने में सक्षम हो पाया। तो इस दृष्टि से दोस्तों, मैंने आज की ये वीडियो आपको एक बहुत बड़ा धन्यवाद मेरी ओर से देने के लिए, एक बिग थैंक्स बोलने के लिए बनाया है और साथ ही इस चैनल का कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग या ये कहां से कहां तक की जर्नी चैनल तय करता हुआ है वो आपके सामने रखने का एक प्रयास, और आगे भी क्या विजन इस चैनल के थ्रू में रखने की कोशिश करूंगा ये भी बात आपके समक्ष रखने की इस छोटी सी वीडियो से कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आपके इस चैनल जर्नी ऑफ अनूप भाटिया टॉक शो की शुरुआत हुई थी 8 जुलाई 2015 को, यानी लगभग 7 साल से ऊपर अब इस चैनल को चलते हुए हो गए। और शुरुआती 2 साल मैं बहुत कम सक्रिय था या मेरा ध्यान केवल सीए स्टूडेंट्स के प्रति ही कंटेंट बनाने पर था, पर धीरे धीरे मुझे लगा कि क्यों ना मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड नॉलेज को लेकर के जनता जनार्दन के बीच जाऊं और उनकी तकलीफों के समाधान में कुछ हेल्प कर पाऊं। और इसी का परिणाम है दोस्तों कि न केवल हमने 50,000 प्लस मार्क सब्सक्राइबर्स में किया है, बल्कि इस चैनल के आज तक 2.37 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। ये आप सबके ही कंट्रीब्यूशन का परिणाम है और इस कंट्रीब्यूशन का मुझे जो हमेशा एक प्रोत्साहन मिलता रहता है कि मैं नए नए विषयों पर आपके लिए सेवा में कुछ वीडियो प्रस्तुत करता रहूं। मैंने आज तक सर कोशिश करके लगभग 533 वीडियोस अपलोड करी हैं इस चैनल के थ्रू। तो दोस्तों, हालांकि ये चैनल अनूप भाटिया टॉक शो बेसिकली इनकम टैक्स पर ही पब्लिक एट लार्ज में अवेयरनेस की दृष्टि से मैंने स्टार्ट किया था, पर जैसे जैसे मुझे लगा कि मैं कहीं और भी कुछ विषयों पर कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो मैंने न केवल इनकम टैक्स एडवाइजरी टाइटल में, फिर इनकम टैक्स अपडेशन, इनकम टैक्स नोटिसेस, इकोनॉमिक अपडेट्स कैटेगरी के रूप में, जीएसटी एंड कंप्लायंस कैटेगरी के रूप में, इन्वेस्टर अवेयरनेस, एमएसएमई पर रिसेंटली मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई, और लाइफस्टाइल एंड वेलफेयर टॉपिक को लेकर के भी समय समय पर मैं आपके सामने कोशिश करता रहा हूं कि कुछ अच्छे सारगर्भित टॉपिक रखूं जिससे पब्लिक एट लार्ज का बेनिफिट सुनिश्चित किया जा सके। अब दोस्तों, एक विजन के रूप में आपके सामने अपनी बात रखना चाहूंगा कि इस चैनल का फोकस कहां है या क्या चीज ऐसी मेरे पास में प्रेरणा स्रोत थी जिसकी वजह से मैं इस चैनल के थ्रू फोकस कर पाया हूं। नंबर वन, मेकिंग लाइफ ऑफ पब्लिक एट लार्ज इजी। मुझे लगता है सर कि हमारे भारतवर्ष में जनता जनार्दन के जीवन में अभी सरलता आने में बहुत समय बाकी है, और रादर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्सिटीज धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो कैसे लोगों के जीवन को सरल बनाया जा सके, कैसे लोगों के जीवन को सरल बनाया जा सके, ये एक फोकस, ये एक विजन इस चैनल के संचालन में हमेशा मुझे प्रेरणा देता है। स्प्रेडिंग नॉलेज इन फॉर्म ऑफ एनहांसिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। मुझे लगता है सर कि हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी का बड़ा अभाव है, और क्योंकि हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी देने का कोई फॉर्मल तरीका नहीं है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे प्रमोट किया जा सके, इस दृष्टि से भी ये चैनल लगातार आपकी सेवा में कार्य करता रहता है। प्रमोटिंग करेक्ट टैक्स फाइनेंस प्रैक्टिसेस, के एक सही टैक्स प्रैक्टिस क्या हो या सही फाइनेंस प्रैक्टिस क्या हो, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए भी मैं इस चैनल के थ्रू आपके समक्ष समय समय पर हाजिर होता हूं, और अपने छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू या कई बार इन दिनों में शॉर्ट्स के रूप में भी आपकी सेवा करने की कोशिश करता हूं। हेल्पिंग इन इंप्रूविंग योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि मार्केट को अगर ये पता चल जाए कि आपकी जेब में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए पड़े हैं जिसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो टूट करके आपके उस इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ पर लेने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन आपको उस पैसे का कैसे मैक्सिमम रिटर्न मिले,
आप उस पैसे की सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित करें, आप अपने जोखिम को मिनिमम कैसे करें। ये बड़े इंटरेस्टिंग विषय हैं जिन पर काम करने की बहुत जरूरत है। और इसी दृष्टि से दोस्तों, इस चैनल के थ्रू मैं आपके समक्ष समय समय पर इन विषयों पर आवाज उठाने की कोशिश करता हूं। अब दोस्तों, इस जर्नी में मुझे आपसे बहुत सारे कमेंट्स भी मिलते हैं और कुछ कमेंट्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं जिन्हें पढ़ के आप कहेंगे कि अनूप जी, वो तो आप अपनी आत्ममुग्धता के लिए, मंत्रमुग्धता के लिए उसको यूज करते हैं, तो मेरा तात्पर्य ये तो नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट जो मुझे पिछले कुछ समय में मिले वो भी रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं अपनी खुशी को आपके साथ भी शेयर कर सकूं। जैसे दोस्तों, मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम के एक यूजर ने लिखा, टुमारो इज माय इंटरनेशनल टैक्सेशन पेपर, फाइनली आई लर्न दिस होल कॉन्सेप्ट राइट। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल पर कोई एक वीडियो मैंने कभी बनाई होगी, शायद किसी स्टूडेंट के काम आई, उन्होंने धन्यवाद दिया, मुझे अच्छा लगा। ऑलवेज लव यू सर, गणेश माने जी ने लिखा, हर वीडियो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर अप्रिशिएटिंग मी बाय अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, अनूप भाटिया एक क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपके समक्ष अपनी बात रखने की कोशिश करता है। मनोज गुप्ता जी ने लिखा, आई ओपनर वीडियो सर। तो अगर मैं किसी वजह से आपकी आई ओपनिंग करने में कामयाब रहता हूं, तो ये भी मेरे लिए इस चैनल को चलाने का एक अच्छा पर्पस है, जिसके थ्रू मैं आपकी सेवा करने में सक्षम हो पाता हूं। मनीष सिंगल जी ने लिखा, हेलो सर, आई नेवर हैड कमेंटेड ऑन एनीवन्स वीडियो ऑन यूट्यूब बिफोर, बट दिस इज माई फर्स्ट, आई एम कमेंटिंग ऑन योर वीडियो बिकॉज आई रियली लाइक्ड यू, मेड कॉम्प्लेक्स वर्डिंग इन टू मच मोर सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल कंटेंट सर, फैन हो गया आपका। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं किसी भाषा के विरुद्ध नहीं हूं, और इन दिनों तो मैंने हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में ही वीडियोज और शॉर्ट बनाने की कोशिश करी है, ताकि जिन्हें हिंदी उतनी क्लियर नहीं है उन्हें इंग्लिश में भी मैं अपनी बात को पहुंचा सकूं। पर मैं बार बार ये बात गर्व से बोलता हूं कि मैं हिंदी भाषी हूं, मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं हिंदी में सोचता हूं, और मेरी ये हिंदी की सोच सर बात को, किसी चीज को सरल रूप में जनता जनार्दन तक पहुंचाने में सहयोग कर पाती है। इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं। यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड गुड ह्यूमन बींग सर, आई एम योर फॉलोअर सिंस लास्ट 3 ईयर्स, सो दैट्स अ प्लेजर फॉर मी। आप बहुत अच्छा समझाते हैं सर, बहुत धन्यवाद। यू लुक लाइक अ लेजेंड रतन टाटा सर, ये बड़ा अच्छा एक कमेंट। आप कहेंगे अनूप जी, आप खुश होने के लिए बहाना ढूंढते हैं, यही तो चाहिए दोस्तों आज के समय में। अगर कोई आपको रतन टाटा बुला रहा है, और ऐसा एक नहीं 3-4 बार मुझे ऐसे कमेंट मिले, तो मुझे भी थोड़ा सा फूल के कुप्पा होने का मौका मिला, कह रहे वाह, कुछ लोग हमें रतन टाटा जी की भी छवि देखते हैं, तो प्रणाम है रतन टाटा जी को। सर, इतना अच्छा समझाया कहीं नहीं देखा, ये SS पंवार साहब ने लिखा। दोस्तों, मैं पुनः ये कहूंगा कि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, क्योंकि ये कमेंट्स मुझे लगातार अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। अनूप भाटिया टॉक शो के इस चैनल में जब मैं आपके सामने अपनी कुछ वीडियोस लेकर के आता हूं सर, तो साथ ही मेरे दिमाग में कुछ रिक्वेस्ट भी रहती हैं जो मैं जनता जनार्दन से करना चाहता हूं। सो कुछ हम्बल रिक्वेस्ट जो आपको रखना चाहता हूं, कीप शॉवरिंग योर लव एंड ब्लेसिंग, आपका प्रेम और आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा इसी प्रकार मिलता रहे, ये मेरी सबसे पहले एक शुभेच्छा है। योर क्वेरीज आर इम्पॉर्टेंट टू मी सर, मैं हालांकि कोशिश करता हूं कि यथासंभव रूप से आपकी क्वेरीज का जवाब देता रहूं, कभी कभी क्वेरीज का जवाब समयाभाव की वजह से भी नहीं दे पाता हूं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। परंतु आप जो क्वेरीज भेजते हो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे उससे पता चलता है कि ओके, जनता जनार्दन में ये क्वेरीज हैं, ये समस्याएं हैं जिनका अभी उन्हें उत्तर चाहिए, तो मैं वो उत्तर देने का आगे प्रयास करता हूं। कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी एंड नॉलेज, मैं जनता जनार्दन से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं सर कि सकारात्मकता फैलाते रहिए, ज्ञान का प्रसार करते रहिए, ज्ञान को छुपाना नहीं है सर, हमें ज्ञान को बढ़ाना है। और ये चैनल भी सर आपके लिए यही प्रयास करता रहता है कि मैं कैसे न कैसे, किसी न किसी रूप में ज्ञान का प्रसार करने में सहायक सिद्ध हूं। टू अर्थ इज ह्यूमन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी सर, क्योंकि मैं भी मानव ही हूं और मानव से भूल होना स्वाभाविक है, तो यदि आपकी सेवा करने के इस प्रयास में मुझसे कहीं कोई गलती हो टेक्निकली, या मेरे वर्ड से कभी किसी को किसी प्रकार से आहत
हुए हों, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और हाँ दोस्तों, ये बात जरूर कहूंगा कि क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं बहुत सी बार इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड विषयों पर एडवाइस देता हूँ, तो एक डिस्क्लेमर देना भी मेरा फर्ज बनता है कि आप मेरी किसी भी राय पर फाइनली अमल करने से पूर्व अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने कंसल्टेंट की राय अवश्य लें और तभी आप अपने फाइनल निर्णय पर पहुंचे। अंत में दोस्तों, पुनः मुझे 50,000 प्लस के सब्सक्राइबर बेस तक पहुंचाने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मैं जनता से मिले प्यार से अभिभूत हूं और कोशिश करता रहूंगा सर, जब तक इस तन में प्राण है, आपकी सेवा में हाजिर रहे ये अनु भाटिया। धन्यवाद। जय हिंद।